नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर मुंगेर से है। मुंगेर के नगर भवन में भारत रक्षा मंच ने नागरिकता संशोधन कानून वास्तविकता एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया। आपको बता दें कि गोष्ठी का मंच संचालन श्री संजय शर्मा प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर जमालपुर ने किया। आज के इस गोष्ठी में अपने विचारों को रखने वालों में वक्ताओं में श्री निर्मल जैन, श्री अशोक अंशुमन, श्री कृष्णकांत ओझा, श्री धर्मदेव पासवान, श्री रविंद्र यादव, सरदार परमजीत सिंह रहे। आपको बता दें कि गोष्ठी का शुभारंभ भारत माता के पूजन और दीप प्रज्वलित कर अध्यक्ष परमजीत सिंह और समस्त वक्ताओं ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए भारत विकास परिषद के प्रांत मंत्री संगठन एवं वरिष्ठ कला साधक श्री निर्मल जैन ने बताया कि उनका परिवार भी बंटवारे के समय बंगाल देश में रामचंद्रपुर हाट नामक स्थान में भी स्थापित होकर ही आया था। तब से अब तक सिर्फ धर्म के नाम पर प्रताड़ित बंधु भगनीगण भारत के शरण लेते रहे हैं, जिसे CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने का विधेयक है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। कार्यक्रम के वक्ता श्री रविंद्र यादव ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कानून की सराहना की, साथ ही इसको समझने का अनुरोध किया। सीए के पक्ष में अब प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है वह सीए के पक्ष में नहीं है। आगे जो हम NRC और NPR लाएंगे उसका हम प्रचार कर रहे हैं। सीए का पक्ष और विपक्ष का, भारत सरकार की चुनी हुई सरकार, भारत की चुनी हुई सरकार लोकतंत्र के गर्भ से सरकार पैदा होती है और वह सरकार लोकतंत्र के गर्भ से पैदा होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो भारत की बहुसंख्यक जनता के द्वारा, बहुमत में आई हुई सरकार के द्वारा बनाए गए बिल और फिर दोनों सदनों से पारित बिल और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित बिल, उसके पक्ष विपक्ष की बात है क्या है? संविधान की रक्षा करना है। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, वे संविधान की हत्या कर रहे हैं। हम उस संविधान की रक्षा करने आए हैं जो दोनों सदनों से पारित, राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित, जो संविधान का अंग बन चुका है, उस संविधान की रक्षा करने हम आए हैं। संविधान की रक्षा करने वाले आए हैं। और जो लोग कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। मेरा परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना है ना, उसमें भारतीय शिक्षण मंडल है, उसका मैं बिहार प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ और बिहार वैश्विक शिक्षक मंच का। जो आप सारी सीधी बात है, जो कानून बन चुका, अधिनियम हो चुका, दोनों सदनों से पारित है, हमारे माननीय मित्र ने कहा कि वो संविधान का अंग नहीं, संविधान हो गया, अब उसकी रक्षा में हम आए हैं। उसके विरोध में दो चार जो पैसे पर काम कर रहे हैं, पे रहे हैं, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर के असत्य के आधार पर भ्रम का वातावरण पैदा किया जा रहा है और भ्रम का वातावरण पैदा करा करके लोगों में दहशत पैदा करना और डर पैदा करके पूरे समाज के विरोध में खड़ा कर देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका निराकरण होना चाहिए, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें अधिवक्ता भी आए थे, शिक्षक भी आए थे, सभी तमाम तरह के लोग आए थे। दूसरी बात यह है कि यह जो असत्य फैलाया जा रहा है कि इसके माध्यम से नागरिकता समाप्त हो रही है, ये गलत है और ऐसा करने वाले वास्तव में भारत विरोधी, समाज विरोधी और संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। संविधान विरोधी कार्य करने वाले संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं, तो ये कालनेमी की तरह है। मतलब अच्छा चेहरा चरित्र दिखा कर, बता करके अपने आप को, स्वयं को और राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, इसको इसका निराकरण करने के लिए लोग स्वतः उठना चाहिए, सबको उठना चाहिए। सबको मिलजुल करके इसका जब शोध करेंगे तो ये जा करके भारत के अंदर में जो गृह युद्ध लाने की स्थिति जो आ रही है, अराजक की स्थिति जो पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, वो विफल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के प्रयास में विदेशी फंड द्वारा संचालित जो NGO हैं वो लग गए हैं और ये खतरनाक है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को कुचला नहीं गया, ये जहरीले नाक की तरह है, इनको कुचला नहीं गया तो ये विष गमन करेंगे और समाज में विशेष फैलाएंगे और इसका बहुत दूरगामी प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके निमित्त तत्व आगे आना। मेरा नाम कृष्णकांत है, प्रज्ञा प्रवाह नामक एक बुद्धिजीवी का संगठन है, उसका बिहार में चीची नाम से उसका संगठन है।
और एक पत्रकार संपादक बैठक वर्तमान समस्याओं वर्तमान परिस्थितियों का विचार करके मुंगेर में भी CAA की जानकारी समाज तक पहुँचे, बुद्धिजीवी इसको समझें और समाज को समझाएं ताकि भ्रम की स्थिति न बने, आपसी विद्वेष न फैले और हम सब जैसे मिलकर रहते थे ऐसे रहने की भाव जगे, संविधान की अवमानना न हो। किस बिल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया जो कानून बन गया उसकी अवमानना न हो, अवहेलना न हो, हम उसके पालन की स्थिति समाज में बनाएं, समाज की मानसिकता ऐसी तैयार करें कि हम संविधान का आदर करते हुए उसका पालन करें, क्योंकि जनतंत्र है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है और जनप्रतिनिधियों ने भारी बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में इसको पास किया है, इसलिए इस कानून को हम सब माने, संपूर्ण भारतवासी इसको माने, इसी में सबकी ही भलाई है, सबका हित है। इस उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं धनंजय शर्मा इसका संचालन करता था और ये कार्यक्रम भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुआ।